तो आप सभी देख सकते हैं कि सीवेज पंपिंग स्टेशन का खात्मा पूरी तरीके से हो गया यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है जो समाप्त हो जाएगा, और ये पूरा एरिया है जहाँ पे सीढ़ी चलनी है, और कुछ यहाँ पे वर्क बाकी है। ग्रेनाइट भी लगाया जाएगा, साथ ही ये जो देख रहे हैं आप सभी, यहाँ पे बनेगा लिफ्ट, स्पेशली सीढ़ी। तो हम चलेंगे, एंट्री करेंगे अंदर। ये देखिए, ये है द्वार, जो इस साइड वर्क चल रहा है। फ्रेंड देख सकते हैं आप सभी, बहुत से रूम, बहुत से मकान यहाँ पे बनने हैं, और यहाँ पे नीचे जो है वो भी बहुत से वर्क चल रहे हैं। देखिए, कार्तिकेय संकुल कैमरा बड़ा बड़ा लगाया गया है, और ये पूरा एरिया है आप सभी देख सकते हैं। सीवेज पंपिंग स्टेशन को पूरी तरह से रौंद दिया गया है। ये बाबा का बहुत बड़ा विशाल ये दरवाज़ा, और हम चलते हैं धीरे धीरे आगे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं यहाँ पे। ये देखिए, भयंकर वाली भीड़ आ गई है यहाँ पे। लग रहा है कोई सेलिब्रिटी आ गए हैं, फिर DM आई थिंक कोई तो है, जो बहुत ही भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। ओ माय गॉड, कंगना रनौत। तो ये कंगना रनौत है, और यहाँ पे अर्जुन रामपाल। ये कंगना रनौत और अर्जुन रामपाल यहाँ पे आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो दो सेलिब्रिटी आए हुए थे यहाँ पे, इसकी वजह से बहुत सारे भीड़ लग गए। और फिर से मैं दिखाऊंगा पूरा नज़ारा, तो देख सकते हैं सभी। उसके बाद सेलिब्रिटी के जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ खाली खाली हो गया। आइए चलते हैं दीपक, फिर से बाहर देखते हैं पूरा नज़ारा, फिर चलेंगे बाबा के दरबार में और सबको दिखाएंगे महादेव। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ लग गया। आज भी यही बात आपसे।
तो यहाँ पे सेलिब्रिटी आई हुई थी, कंगना रनौत एंड अर्जुन रामपाल, जो पूरी बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा था। आप सभी ने देखा होगा, मेरे वीडियो में भी वो क्लियर आए हैं, तो आप सभी देखिए। बहुत ही अच्छे मौके पे मैं आया हूँ। यहाँ पे पहले भी कई स्टार आ चुके हैं, जैसा कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, वैसे ही सेलिब्रिटी आते रहते हैं। ऐसे ही कुछ नज़ारा बाहर का भी होगा, जो लाइट देख सकते हैं आप सभी, इसे ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है, तो ऐसी सुविधा है इसमें। ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप सभी। फिर से चलेंगे हम ऊपर और ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप सभी। तो ये पूरा परिसर खाली हो चुका है उन लोगों के जाने के बाद, कुछ लोग ही रह गए इसमें। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लगभग चार पांच सेलिब्रिटी आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे। उस साइड से चली सीढ़ी है और ये देखिए पूरा बोर्ड लगाया गया है, नक्शा बनाया गया है ये काशी विश्वनाथ मंदिर का। तो इस मंदिर में 48 चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं सभी को। लाइटें धीरे धीरे ऑन हो रही हैं। पूरा एरिया देख सकते हैं आप सभी। इधर लॉकर है इस साइड, पूरा परिसर को यहाँ पे धुला गया है। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पे परिसर पूरा खाली हो गया है, देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पे सिक्योरिटी जांच होती है फ्रेंड्स।
अमृत भवन, अमृत भवन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पूरा एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस साइड आपको लॉकर देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रसाद आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा। टिकट बुकिंग और बाकी चीज़ें यहाँ पे, यहाँ पूरा लॉकर है इस साइड। देख सकते हैं सभी यहाँ पे भारत माता मंदिर, ये पूरी चीज़ें हैं सभी को दिखाई दे रही हैं। चप्पल या स्लीपर जो है वो इस साइड यहाँ पे निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तो फाइनली काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। आइए पूरा परिसर आज हम घुमाते हैं आप सभी को। पहले ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा नज़ारा और ऊपर लाइटें लगाई गई हैं। देखिए भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर तो अपने बनारस में पूरे एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक भारत माता के यहाँ पे मूर्ति लगा दिया गया है जो बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे इनके पीछे आप सभी को देखने को मिलेगा श्रीमान धातेश्वर महादेव मंदिर, जो कि गंगा तट से श्री काशीनाथ धाम से आने वाले यह मंदिर मुख्य मार्ग में स्थित है। चतुर्कोणीय परिधि पर पंच शिखर यह मंदिर वाराणसी में अत्यंत ख्याति है, यानी कि काफ़ी फेमस रहा है यह मंदिर। तो देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने लोग जा तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में जा रहे हैं। जब यहाँ पे लोग आने लग जाएंगे तो काफ़ी लोग आएंगे दर्शन करने और काफ़ी यहाँ पे चढ़ावा भी होगा। वैसे तो हमारे महादेव के शरण में सभी लोग आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नहीं आए हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहते हैं। श्रीमान धातेश्वर महादेव जी का मंदिर, ये शिवलिंग दिखाई दे रहा है सभी को। तो ये पूरा एरिया है जो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। आइए चलते हैं नेपाली मंदिर की तरफ। इधर का रास्ता तो मैंने कई बार दिखाया हुआ है आपको, इधर से भी आने जाने का रास्ता है। यहाँ पे देखिए मजदूर को खाना दिया जा रहा है मंदिर की तरफ से। यहाँ से गाड़ियाँ आ जा सकती हैं, रेलिंग लगाई गई है पकड़ कर ऊपर चढ़ने के लिए उतरने के लिए। देखिए पूरा एरिया, ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप सभी को। तो इस साइड नेपाली मंदिर जाने का रास्ता, एंड यहाँ पे श्री गणेश जी हैं और इनके पीछे शिवलिंग है जो आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंदिर में जो लोग हैं बहुत, यहाँ पे शानदार नज़ारा है। यहाँ का हर कुछ दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है, चेंज होता ही जा रहा है। इस साइड भी बहुत से वर्क चल रहे हैं अभी। इस साइड नेपाली मंदिर जाने का रास्ता है, यहाँ पे कई भवन भी बनाए गए हैं, कई संकुल बनाए गए हैं, व्यास भवन कई संकुल है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ नीचे डायरेक्टली जा सकती हैं, आ सकती हैं, आप सभी देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं और दिखाते हैं नीचे का पूरा नज़ारा आप सभी को। ये अमरनाथ संकुल है, यानी कई भागों में इसे बांटा गया है। यहाँ से देखिए ऐसे गाड़ी यहाँ से जाएगी फोर व्हीलर, और इसके नीचे से डायरेक्टली फिर उस साइड जाएगी, यानी नीचे जाने का रास्ता है फोर व्हीलर का।
तो प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, कई चीज़ें ऐसे की गई हैं जो कि अनबिलीवेबल हैं एक तरह से। यानी मंदिर के अंदर ही गाड़ियाँ लाना और ले जाना ऐसा किसी भी शायद मंदिर के अंदर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सब तरीके सुविधाएँ यहाँ पे देख सकते हैं सभी। यू नो कि एक ही मंदिर के अंदर इतनी व्यवस्थाएं और 52,000 वर्ग फिट में पूरी फैली हुई हैं, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। और जैसे ही मंदिर मस्जिद हट जाती है, यहाँ पे देखिए मस्जिद है इस साइड जो अभी पेंडिंग है, अभी हट जाएगा कुछ दिनों में। हटने के बाद ही यहाँ पे और ये बड़ा हो जाएगा पूरा परिसर, तो पूरा देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसा भव्य नज़ारा है यहाँ का। और भी कई तरह के यहाँ पे वर्क हो रहे हैं, यहाँ से बाबा का भव्य शिखर दिखाई दे रहा है, सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। सब का तो नाखून नहीं है, यहाँ पे नई नई चीज़ें लगाई गई हैं। अंदर पूरा ग्रेनाइट आपको देखने को मिल जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये देखिए थोड़ी देर में ये लाइटें ऑन होगी, कुछ लाइटें ऑन नहीं हुई हैं इस साइड की, उस साइड लाइटें ऑन हो गई हैं। इस साइड मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, इस साइड भी बहुत से वर्क चल रहे हैं। ये देखिए मजदूर और बाकी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, प्लाईवुड जा रहा है यहाँ पे। और इस साइड भी बहुत से वर्क चल रहे हैं, तभी देख सकते हैं। यहाँ पे कई प्राचीन मंदिरें देखने को मिल जाएंगी, इधर मशीनें भी देखने को मिल जाएंगी, इस साइड रूम्स हैं, ये देखिए पूरा रूम ये। और यहाँ पे कैमरा लगाया गया है कि कोई भी गलत काम ना कर सके, गलत ना हो सके कुछ भी, पूरा देख सकते हैं सभी। तो पूरा एरिया ये दिखाई दे रहा है मंदिर का, यह अभी मंदिर अभी बनना है और बन भी रहा है यहाँ पे। ये काफ़ी पुराना मंदिर है फ्रेंड्स, इधर भी देखिए बहुत से वर्क चल रहे हैं, बहुत से वर्क होने बाकी। यहाँ पे देखिए नंदी, और यहाँ ऐसा मंदिर है ये कि यहाँ पे अभी कोई दर्शन नहीं करने आ रहा, ये भी काफ़ी पुरानी मंदिर है। यहाँ पे देखिए तीन चार नहीं बल्कि बहुत से ऐसे मंदिर देखने को मिल जाएंगे आप सभी को। के छोटे बड़े मंदिर बहुत से यहाँ पे, ये भी टूटा हुआ है। और देखिए नंदी और बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, मशीन लाकर यहाँ पे रख दी गई है, देख सकते हैं हम सभी।
जब से फ्रेंड यहाँ मंदिर और मस्जिद का इस तरह से स्टार्ट हुआ है जो मुकदमा वगैरह है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। देखिए इधर भी बहुत से वर्क होने बाकी हैं, बहुत से हो चुके हैं साइड, पूरा कमरा पूरा रूम। आइए चलते हैं गेट नंबर 2 है और 2 से चलते हैं 4 की तरफ, अगर कोई रोक टोक ना हो तो। जगह जगह यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं कि आने वाले दिनों में अब बिल्कुल पूरा नीब का ही पेड़ देखने को मिलेगा पूरे परिसर में, क्योंकि इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा होता है ये देखिए पूरा। इधर तो भी गाड़ी आ जा सकती है, यहाँ पे अभी वर्क चल रहा है इधर पत्थर लगाने का इस साइड। भैया जी घर से बाहर निकलेगा, पूरा गली है जो गेट नंबर 2 से गेट नंबर 4 की तरफ ले जाएगा आपको डायरेक्ट, कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, डायरेक्टली आप बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोग मेरे पीछे भी आ रहे हैं देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ पे भी कई मंदिर हैं, कई रास्ते हैं, यहाँ पे देखिए आरती हो रही है साइड, कई मकान तोड़े गए यहाँ पे। काशी मुक्ति माता महिला आश्रम है ये बगल में, इसकी वजह से ये शायद नहीं टूटा हुआ है। कई ऐसे घर हैं जो अभी छोड़ दिए गए हैं और छूट भी गए हैं। यहाँ से आप सभी को बाबा का शिखर देखने को मिलेगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस साइड, अंकियों के बैठा जा रहा है इस साइड, पूरा देख सकते हैं पूरा मंदिर।
वर्क हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से दर्शन सर कर सकते हैं सभी। दर्शन निकल सकते हैं फ्रेंड्स, और कोई रोक टोक ना हो तो। तो यहाँ पे कई रास्ते हैं, कई गलियाँ हैं जो आप सभी देख सकते हैं कैसे निकले, कौन सी गली अच्छी है। तो इस गली से भी आप विश्वनाथ गली जा सकते हैं। कई यहाँ पे चीज़ें हैं देख सकते हैं सभी। पूरा क्या क्या बयान है यहाँ पे। प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट जरूर करें, मंदिर परिसर के अंदर क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं देख सकते हैं सभी। माचिस तक अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है आप सभी को। तो इस गली से भी जा सकते हैं और इस गली से भी डायरेक्टली गोदौलिया निकल सकते हैं सभी। देवी देवताओं के ढेर सारे मूर्ति देखने को मिल जाएंगे जो स्टील और पीतल के देखने को मिलेंगे। मीर घाट गेट नंबर 2 रास्ता है। इधर तो घाट तरफ भी निकल सकते हैं एंड ये सीधे रास्ता पकड़ के गोदौलिया चौक जा सकते हैं, विश्वनाथ गली जा सकते हैं, दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं। तो कहीं जाना चाहें तो इस रास्ते से जा सकते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्टली आप ये त्रिपुरा भैरवी वाराणसी, और रास्ते में कई चीज़ें खरीद भी सकते हैं। तो हम चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं दूसरी तरफ। गोदौलिया ना हो के आप डायरेक्टली मीर घाट पर कैसे निकले तो इस रास्ते को चुन लें आप। पूरी गली चेंज हो चुकी है, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे। और गली प्रधानमंत्री ने तो साफ करा ही दी है। यहाँ पे कुछ गंदगी लोग कर रहे हैं जो शायद अच्छा नहीं है, देख सकते हैं आप सभी। पूरा एरिया जगह जगह गाड़ी खड़ी है, आने जाने का कोई विकल्प नहीं है। अलकनंदा क्रूज निकल रही है धीरे धीरे और ये सभी घाटों को घुमाती है। लगभग 300-400 रुपये पे करने पड़ेंगे आप सभी को। तो ये आ गए हैं मीर घाट पर हम, त्रिपुरा भैरवी घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसके बाजू में ही आपको भैरवी घाट देखने को मिलेगा, सॉरी मीर घाट।
ये पूरा देख सकते हैं एरिया। जो इस साइड जाएंगे तो आप सबको दशा समेत घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट देखने को मिलेगा। इस साइड जाएंगे तो आपको बाबा का भव्य द्वार देखने को मिलेगा, यानी कि मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट, जलाशयन घाट देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं नीचे। गरीबी है इसकी वजह से फ्रेंड थोड़ी वीडियो हिल जा रही है, सो सॉरी इसके लिए। आई हैव नो स्टैंड, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। अभी मेरा हाथी स्टैंड है और हाथी मेरा सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए नाव बन रहा है, तो एरिया पूरा अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर से इस घाट पर अगर हैं तो आपको डायरेक्टली फिर से उसी घाट पर अगर जाना हो तो कैसे जाएंगे आप सभी। पूरा अच्छे से घूम लीजिए फ्रेंड्स। आए बेबो हाथ पकड़ के चलो, रुको साथ में चलो। दुकानें लगी हुई हैं, शायद लखनंदा क्रूज चल रहा है। अगर आपको गेस्ट हाउस चाहिए रुकने के लिए, कोई भी प्रबंध चाहिए तो यहाँ देख सकते हैं। गंगा किनारे आप सभी को गणपति गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएगा और ऐसे कई घाट पे देखने को मिल जाएंगे रूम, जो बहुत ही अच्छा व्यू सुबह के टाइम देखा जा सकता है। यहाँ से गंगा आरती भी देखा जा सकता है। तो ये देखिए कितना भव्य नज़ारा यहाँ का। तो आगे ही बाबा का भव्य कॉरिडोर देखने को मिलेगा और यहाँ से ही आप सभी आसानी से मणिकर्णिका घाट, बाबा के द्वार और बाकी जगह जा सकते हैं। राजघाट भी जा सकते हैं घाट घाट होते हुए। गंगा जी सूख चुकी हैं पूरी तरीके से देख सकते हैं सभी। कुछ ही पानी बचा हुआ है यहाँ पे। नमामि गंगे, कृपया घाटों पर गंदगी ना फैलाएं, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, घाटों पर शौच करना मना है, शौचालय का प्रयोग करें, गंगा नदी में डालें, नदी में कपड़े ना घाटों धोवे, कपड़े ना धोवे। तो यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे गए हैं कि ये ना करें, कपड़े ना धुले, जानवर आदि को ना नहलाएं। बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गंगा हमारी माता है। ये देखिए सीटी मार रहे हैं नेपाली मंदिर साइड।
तो यहाँ से नीचे उतर के जा सकते हैं मंदिर की तरफ आप सभी। और यहाँ से 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है यहाँ का द्वार, तो 7 बजे के बाद ना आए, 6-7 बजे तक यहाँ ना आए।